नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की धरना को 70 दिन हो चुका है और इन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है। क्या सरकार जागने की कोशिश नहीं कर रही है? आइए इनसे जानते हैं कि कांग्रेस भवन में धरना देने से क्या इनकी नियुक्ति हो जाएगी। आप अपने किस सवाल को लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुँचे? कांग्रेस कार्यालय आने के तो बहुत सारे सवाल है, क्योंकि पिछले लगता है कि 70 दिनों में हम लोग हर बार कांग्रेस की शरण में आए हुए हैं। 3-4 बार तो हम लोग मंत्रियों से मिलने के लिए आए और हर बार हम लोगों को यही आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की बात कैबिनेट में उठाई जाएगी, तो आप लोगों की नियुक्ति पूर्ण करवाई जाएगी। आप लोगों के बारे में मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, तो आखिर किस तरह की बात आप मुख्यमंत्री से करते हैं कि उसका जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे पाते हैं? 70 दिन एक काफ़ी लंबा समय होता है, जो कि हम लोगों ने 17वां दिन क्रॉस कर गया है। मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री मतलब आते हैं तो उन्होंने तो वो कहते हैं क्या कि हम आपको 5 लाख मतलब रोज़गार का की बात करके वो आते हैं, तो आप 5 लाख रोज़गार कहाँ हैं? अभी हम लोगों की जो वैकेंसी है उसमें 3000 नौकरी है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सारी क्राइटेरिया हम लोगों ने फुलफिल कर ली है, हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो गया है, तो इसमें सिर्फ मेरिट लिस्ट जब जारी करना है तो वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए आप। तो मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है, मुख्यमंत्री तो कुछ करते हैं नहीं। हम लोग जब मंत्रियों से जा करके मिले तो रामेश्वर उरांव सर जो है उन्होंने कहा था कि 31 मार्च का जो डेट है वो एक डेडलाइन दिए हुए थे कि 31 मार्च जो वित्त वर्ष होता है इस हम लोगों ने उसको मान के रखा हुआ है और उस दौरान हम लोग अब जो है सो वो नियुक्ति करेंगे। तो इस दौरान हम लोग थोड़ा सा शांत भी हुए, थोड़ा सा सोच भी रहे थे कि शायद हम लोगों की नियुक्ति पूरी करवा दी जाएगी, लेकिन आज ये लास्ट दिन है, हम लोग ये सवाल पूछने के लिए आए हैं कि आखिर हम लोग और इसके बाद कितने दिन और इंतजार करें, क्योंकि 70 दिन काफ़ी लंबा समय होता है। जब आप सड़कों पर आकर के बैठिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि सड़कों पर जो समय होता है वो काटना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में तो आता नहीं है, आप लोग तो फुल ए सी में बैठे रहते हैं, लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, उसके बारे में सोचिए समझिए पहले। तो स्टूडेंट आपसे आज ये पूछ रहा है कि 31 मार्च का समय चला गया, अब इसके बाद आप और कितने दिन हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा वो बताइए। ये इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हम लोग यहाँ पे कांग्रेस भवन पहुँचे हुए थे। देखिए, आंदोलन को शांत कराने के लिए हम लोग आखिर वो कितने बार हम लोगों को ठगेंगे? हर बार तो हम लोग ठगा ही गए हैं। तो अगर वो ये सोचे कि हम लोग आंदोलन को शांत कराने के लिए कि हम लोग ये बोल देंगे कि 31 मार्च का डेडलाइन दे देते हैं और स्टूडेंट जो है वो शांत हो जाएंगे, तो इस बार तो हम लोग शांत हुए नहीं और होंगे भी नहीं। जब तक हम लोगों की नियुक्ति पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक हम लोग शांत होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों का जो मांग है वो जायज़ और पिछले 5 वर्ष से हम लोग इंतजार किए हुए हैं इस नियुक्ति के लिए, तो हम लोग ऐसे तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए वो आश्वासन देना बंद करें, अब हम लोगों को का मांग जायज़ है और हम लोगों की मांग को वो पूर्ण करें, बस यही कहने के लिए हम लोग आए हुए हैं। डेट दे देते हैं तो डेट का इंतज़ार किया जाएगा, हम लोग और कर क्या सकते हैं, हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि अब जो है सो हम लोग को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइए, क्योंकि स्टूडेंट आखिर कितने दिन इंतज़ार करेगा, तो इसलिए हम लोग को इंतज़ार मत करवाइए। हम लोगों की मांग है जो है वो जायज़ है और हम लोगों की मांग आप जल्द से जल्द पूरी कीजिए। हम लोग कितने दिन तक रोड पे बैठे रहेंगे? आखिर आपके भी बच्चे होंगे तो आपको उनको लेकर के दर्द समझ में आता होगा, हम लोग भी किसी के बच्चे हैं, रोड पे बैठे क्या हमारे माँ बाप को तकलीफ़ नहीं होती है क्या? तो आपको जो है वो सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो मुखिया है हमारे राज्य के, तो आपको आपकी यहाँ की जो प्रजा है वो आपके बच्चे हैं। हम लोग क्यों रोड पे आए हुए हैं? क्या हम लोग को शौक लगा हुआ है यहाँ पर रोड पे आकर के बैठने का? दिन भर भूखे रहते हैं, बैठे रहते हैं रोड पे, अभी देखिए गर्मी का मौसम है, लू चलता रहता है, उसके बाद भी हम लोग बैठे हुए हैं, सारे पर्व त्यौहार यहाँ मनाए, क्यों हम लोग को इतना मजबूर कर दिए आप तक कि हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं? तो इसलिए हम लोग अब रिक्वेस्ट ही करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि मामला मुख्यमंत्री जी के पास फंस रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री सर से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब प्लीज़ हम लोगों को इंतज़ार ना करवाएं और अब आपका जो वित्त वर्ष था वो भी आज कंप्लीट हो गया है, हम लोगों को जल्द से जल्द रिजल्ट दें। कांग्रेस भवन में धरना देने से क्या उद्देश्य है? देखिए, आज धरना देने नहीं पहुँचे हम लोग, यहाँ पे सरकार से सवाल करने पहुँचे हैं कि वित्त वर्ष 2022 को माननीय रामेश्वर जी ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, माननीय मुख्यमंत्री ने 2021 को वित्त वर्ष नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन रामेश्वर जी ने कहा था कि नहीं, फाइनेंशियल ईयर ही हमारा नियुक्ति वर्ष होगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 31 मार्च तक से आप लोगों की नियुक्ति नहीं करा पाएँ, झारखंड में नियुक्तियाँ नहीं करा पाएँ, तो बाकायदा आप हमारे पास हमारा कार्यालय पहुँचिएगा और हमसे सवाल करिएगा कि हम नियुक्ति क्यों नहीं करा पाएँ। तो उन्हें एक भी नियुक्ति नहीं करा पाएँ, अपने जो भी वादे किए थे हर एक वादों को वो भूल चुके हैं, पूरा नहीं कर पाएँ, इसलिए झारखंड में तमाम स्टूडेंट जो है अभ्यर्थी जो है वह इनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं आज पूछने के लिए कि आपने नियुक्ति वर्ष कहा था, नियुक्ति वर्ष का क्या हुआ? आज 31 मार्च का
31 मार्च है और ये नियुक्ति वर्ष का अंतिम दिन है, आपने आज भी नियुक्ति नहीं करा पाया तो फिर आपके झूठे वादों का क्या हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोगों को मैंने कहा था कि आप हमें नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति दें या फिर मृत्यु दें, तो क्या अब हम लोग को आपने मृत्यु दे दिया है या फिर आपसे आप हमें फिर से कोई नया झूठा आश्वासन दीजिएगा? बस यही सब के सवालों के जवाब मांगने के लिए झारखंड के युवा पहुंचे हुए यहाँ पे। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भवन में बैठने से आपको नियुक्ति मिल जाएगी? देखिए, कांग्रेस भवन में बैठने से तो नियुक्ति नहीं मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी बताइए? हमारा नियुक्ति हमारा जहाँ पे बैठ के पढ़ना था लिखना था हम लोगों ने वहाँ बैठ के पढ़ के लिख के पास होकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो अब नियुक्ति हमें यहीं से मिलेगी और इसी हम यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ 70 दिन से धरना चल रहा है हमारा, लेकिन उस धरने का भी सूद खुद लेने के लिए यहाँ पे सरकार नहीं पहुँच पा रही है। तो नियुक्ति वर्ष का अंतिम दिन होने के बाद भी हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही, तो बड़ा सवाल सरकार के पास है और उसका जवाब हमें चाहिए। तो आपने सुना कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के लिए कुछ सवाल लेकर पंचायत सचिव अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए यहाँ पर पहुँचे, लेकिन इनको रामेश्वर उरांव यहाँ पर नहीं मिले तो ये लोग यहीं पर धरना देने के लिए बैठ गए। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।